पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? तो हमने अपनी पिछली क्लास में रिप्रोडक्शन इम्प्लांट्स के बारे में जाना था, समझा था ना? उसमें हमने क्या समझा था? उसमें हमने समझा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने जैसे प्लांट्स बनाते हैं। और वो कौन से टू टाइप्स थे? वो थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही तो बताया था मैंने। और क्या बताया था मैंने? और मैंने ये बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, हम लोग किसके बारे में बातें करते आ रहे हैं पिछली क्लासेस से? हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने उसमें ये बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो वो कितने टाइप्स का होता है? वो फोर टाइप्स का होता है। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड देन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था अपनी पिछली क्लास में, बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो अगर आपने वो क्लास मिस कर दी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां पे जाके देख लेना, ठीक है? तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? आज हम जानेंगे बडिंग के बारे में, ठीक? तो बडिंग क्या है? बडिंग जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, ठीक? अब बडिंग क्या होता है ये हम समझेंगे। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए हम समझेंगे, एक प्लांट है जिसे हम कहते हैं यीस्ट। यीस्ट के बारे में तो आपने सबने सुना होगा, यीस्ट के बारे में। यीस्ट क्या है? यीस्ट जो है वो एक नॉन ग्रीन प्लांट होता है, मतलब वो ग्रीन कलर का नहीं होता है, ठीक? और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक फंगस, ठीक है? तो यीस्ट क्या है? एक फंगस है। और दूसरी क्या क्वालिटी है यीस्ट की? जो यीस्ट है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब जो उसके बॉडी होती है वो सिंगल सेल होती है, एक ही सेल की बनी हुई होती है, ठीक? ये भी आपको पता होगा, मैंने बताया है पहले आपको, ठीक? तो यीस्ट जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और एक नॉन ग्रीन प्लांट है, क्लियर? अब देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये यीस्ट है, ठीक है? तो ये यीस्ट है। अब ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है? तो यीस्ट में क्या होता है कि जो इसकी बॉडी है ना, ये बॉडी इसकी दिख रही है, ये बॉडी। अब ये क्या होता है, इससे एक बड सी निकलने लगती है, मतलब इसकी बॉडी से एक आउटग्रोथ होने लगती है, ठीक है? तो जो आउटग्रोथ होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बड, ठीक? तो अब क्या हुआ, ये जो यीस्ट थी इससे एक बड बनी इसकी बॉडी से। जब ये यीस्ट मैच्योर हो गई तो इसकी बॉडी से क्या बनी? एक आउटग्रोथ निकली इसकी बॉडी से, और वो उसको हमने क्या कहा? उसको हमने कहा बड, ठीक? अब ये बड क्या होगी? धीरे से इस बॉडी से अलग हो जाएगी। कैसे? अब देखो इसमें ये यीस्ट है, इसमें ये क्या है? ये इसका न्यूक्लियस है, यीस्ट का न्यूक्लियस है। जब ये यीस्ट मैच्योर हुई तो ये कैसे इसमें से एक बड निकली। अब ये जब बड हुई तो ये जो इसका न्यूक्लियस था ये भी डिवाइड होके एक नया न्यूक्लियस इस बड में भी आ गया। तो अब इसमें भी जो ओरिजिनल यीस्ट थी, मतलब जो पेरेंट यीस्ट थी, उसमें भी एक न्यूक्लियस था, और जो ये बड थी उसमें भी एक न्यूक्लियस था। तो ये दोनों यीस्ट से एक बड निकल गई, ठीक? अब क्या हुआ, अब ये जो बड जब ये बन गई तो यीस्ट की बॉडी से डिटैच हो गई, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक? अब इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस इतनी जल्दी होता है कि कभी कभी जैसे यहाँ पे ये यीस्ट है इससे एक बड बनी, अब ये डिटैच होती भी नहीं है कि इससे एक दूसरी बड बन जाती है। यहाँ पर जैसे ये मान लो ये यीस्ट है, यहाँ पे एक बड बनी, अभी ये डिटैच नहीं हुई, अब यहाँ पर एक और नई बन जाएगी ऐसे ऐसे करके, ठीक? और अभी यहाँ पे भी ये डिटैच नहीं हुई और यहाँ पे फिर से एक बड बन गई ऐसे करके, ठीक है? तो ये इस तरीके से एक चेन जैसी बन जाती है और फाइनली ये सारी बड्स जो होती है वो अलग हो जाती है। और इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी यीस्ट बन जाती है, एक यीस्ट से बहुत सारी यीस्ट बन गई। इसी को तो रिप्रोडक्शन कहते हैं कि अपने जैसी यीस्ट जो है वो अपने जैसी बहुत सारी यीस्ट उसने बना ली, ठीक? और किस प्रोसेस के थ्रू बनाई? बडिंग के थ्रू। और इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, यीस्ट की जो सेल वॉल थी, मतलब जो आउटर वॉल थी, उस पर क्या हुई, एक ग्रोथ हुई, है ना? उस पर ग्रोथ हुई और उसमें क्या हुआ, उसमें जो न्यूक्लियस था, जो यीस्ट का न्यूक्लियस था यीस्ट की बॉडी में, उस वो भी डिवाइड हुआ और उस ग्रोथ में भी एक न्यूक्लियस बन गया। तो इस तरीके से बडिंग से क्या हुआ, यीस्ट ने रिप्रोड्यूस कर लिया, क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा बडिंग, ठीक? अब हम समझते हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। तो ये फ्रेगमेंटेशन क्या है, तो इसको समझने से पहले आप पहले ये समझो कि आपने कभी देखा है ऐसा कि किसी पॉन्ड में या कहीं पे जो स्टैग्नेंट वाटर, मतलब रुका हुआ जहां पानी होता है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा ग्रीन ग्रीन सी आपको कभी लेयर दिखती है? कभी दिखती है कि ग्रीन ग्रीन से पानी के ऊपर ग्रीन ग्रीन कुछ दिखता है ना? तो वो क्या चीज है, कभी आपने सोचा कि वो क्या चीज है? तो वो क्या होता है, वो एक एल्गा होता है, ठीक है?
वो एल्गी क्या है? वो जो है वो एक एल्गी होती है जिसे हम कहते हैं स्पाइरोगायरा। क्या है ये? स्पाइरोगायरा, जैसा आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब ये एल्गी क्या करता है, कैसे ये रिप्रोड्यूस करता है, ये तो हमको समझना है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो एल्गी होता है इनके बॉडी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एल्गी होता है, जैसे ये एल्गी दिख रहा है स्पाइरोगायरा जो है, वो क्या होता है, जब ये मैच्योर हो जाता है तो अपने से ये पीसेस में टूट जाता है, मतलब इनके फ्रेगमेंट हो जाते हैं, इसके टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ये मैच्योर हुआ तो इसके टुकड़े बन गए, इसके पीसेस बन गए, और फिर जो हर पीस है वो एक नया स्पाइरोगायरा बना लेता है। देखो ये स्पाइरोगायरा है और ये जब मैच्योर हो गया तो इससे क्या हुआ, इससे पीस बन गए, ये टूट गया, यहां से टूटा, फिर यहां से टूटा, और इस तरीके से ऐसे इसके फ्रेगमेंट बन गए। और फिर हर फ्रेगमेंट जो है, हर पीस जो है वो अपने जैसा एक नया स्पाइरोगायरा बना लेता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसमें क्या हुआ कि जो स्पाइरोगायरा था या जो एल्गी थी, वो जब मैच्योर हुई तो उसके जो बॉडी पार्ट थे वो टूट गए और हर बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, मतलब एक नया स्पाइरोगायरा बन गया, क्लियर। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। अब हम आ गए स्पोर फॉर्मेशन पे। तो अब स्पोर फॉर्मेशन क्या है, इसको समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। उसमें क्या हम जानते हैं, हम ये समझते हैं कि हमने एक देखा है ना, कभी आपने देखा है कि ब्रेड, ब्रेड तो सबने खाई है, सारे बच्चों ने खाई है, तो कभी आपने देखा है कि ब्रेड खराब हो गई, मम्मा लोग कहती है कि ब्रेड खराब हो गई, कब, जब ब्रेड बहुत दिनों तक बाहर रह जाए या किसी मॉइस्ट जगह पे रह जाए, है ना। तो वहां पे क्या होता है, ब्रेड के ऊपर एकदम ब्लैक ब्लैक सा कुछ स्ट्रक्चर दिखने लगता है ना, तब हम समझते हैं कि ब्रेड खराब हो गई। तो कभी आपको, आपने सोचा कि ये जो ब्रेड पे ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या चीज है, कभी सोचा आपने ऐसा, नहीं ना। तो अब मैं बताती हूँ, तो जो ब्रेड के ऊपर जो ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर दिखते हैं आपको, जो ब्लैक ब्लैक दिखती है ऊपर से वो ब्रेड, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, है ना, अगर उस ब्रेड को माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाके देखोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक। अब ये क्या चीज है, तो ये क्या चीज है, इसे हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। क्या कहते हैं इसे, ब्रेड मोल्ड, जो कि एक फंगस है, ठीक। और इसका क्या नाम होता है, इसका नाम है राइजोपस फंगस। ब्रेड मोल्ड को हम राइजोपस फंगस भी कहते हैं। तो ये उसी का स्ट्रक्चर है, ब्रेड को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखेगा, जो किसका है, जो राइजोपस फंगस का स्ट्रक्चर है। अब ये कैसा होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है कि इसके नीचे क्या है, जैसा रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं, हाइफा। और फिर इसके ऊपर क्या है, जो ऐसा स्ट्रक्चर है ये है स्टेम, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये वाले आपको, ठीक। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। और अगर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, अगर सिंगल है तो स्पोरेंजियम कहेंगे, लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं तो उन्हें हम कहेंगे स्पोरेंजिया, ठीक। अब इस स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे डॉटेड स्ट्रक्चर्स जो है उन्हें हम कहते हैं स्पोर्स, ठीक। और यही स्पोर्स जो है वो इस फंगस को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, राइजोपस फंगस को, क्लियर। तो इस स्पोर्स की वजह से ये राइजोपस फंगस है जो ब्रेड मोल्ड है, ये आगे और अपने जैसे ब्रेड मोल्ड बनाते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होता है, अब यहां पे स्पोर्स से आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि सीड, ये सीड नहीं है, ये है स्पोर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जब इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स, अब ये जब मैच्योर हो गया यहां पर, तो ये क्या होगा, यहां पे ये बर्स्ट हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, ये यहां पे बर्स्ट हो जाएगा, मतलब ये फट जाएगा, ठीक। अब यहां पे ये मैच्योर हो गया, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स है स्पोरेंजियम के अंदर, अब ये क्या हुआ, ये मैच्योर हो गया तो ये बर्स्ट हो गया, तो इसके अंदर जो स्पोर्स थे वो क्या हो गए, वो फैल गए, हवा में फैल गए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हल्के होते हैं तो ये बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं एयर में, ठीक। अब इन स्पोर्स को जब अच्छी कंडीशन मिलती है, मतलब जब इनको वैसी कंडीशन मिलती है जिसमें कि ये जैसा प्लांट बना सके, फंगस बना सके, ऐसी कंडीशन, मतलब ह्यूमिड कंडीशन मिल गई या वार्म कंडीशन मिल गई, तो उस जगह पे ये वापस जाके अपने जैसा जैसा राइजोपस बना लेते हैं, ठीक। तो अब इसमें क्या होता है, अब ये स्पोर्स आप कह सकते हो कि जब एयर में निकलते हैं, बाहर चले जाते हैं, फैल जाते हैं, तो ये खराब क्यों नहीं होते, ये इसलिए नहीं खराब होते क्योंकि इनके चारों तरफ
ये इसलिए खराब नहीं होते क्योंकि इनके चारों तरफ बहुत एक केस होता है जो कि इन स्पोर्स को प्रोटेक्ट करता है। मान लो ये स्पोर है तो इसके चारों तरफ एक केस होगा जो कि इसको प्रोटेक्ट करेगा, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसको कोई हार्म नहीं होता है। और जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये वहां जाके वापस एक नया राइजोपस फंगस बना लेते हैं। जैसे अगर जैसे अगर ब्रेड मोल्ड है तो इसमें से स्पोर्स निकले, ठीक है, और वो एयर में फैल गए, और उसके बाद जब उनको दूसरी ऐसी कोई ब्रेड मिली जहां पे मॉइस्ट है, जो मॉइस्ट है, तो वहां पे जाके ये वापस ये स्पोर्स वहां पे जाएंगे और वहां पे एक नया राइजोपस फंगस बना लेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर हो गया आपको कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है। और नेक्स्ट क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसके बारे में तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से जो भी नए प्लांट बनते हैं उन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जैसे प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से हैं, स्टेम, लीव्स और रूट। तो इनसे जब नए प्लांट बन जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो इसके बारे में मैं डिटेल में यहां नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको अपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा दिया। ठीक, तो आज आपको समझ में आ गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो फोर टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से, बडिंग, देन फ्रेगमेंटेशन, फिर स्पोर फॉर्मेशन और लास्ट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से आपको ये वाले टॉपिक समझा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई आपके क्वेश्चन है या क्वेरीज है, तो आप क्या करोगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ लोगे, है ना। और आपको क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है और बेल बटन प्रेस करना है जिससे आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल जाए। और आप क्या करोगे, आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करोगे जिससे और बच्चे भी इस चैनल को देख सके और नए नए टॉपिक सीख सके, है ना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए